गुरुग्राम विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे अश्वनी शर्मा से हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा ने खास बातचीत की है और इस दौरान उन्होंने जीत का दावा करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। हरियाणा में चुनाव का प्रचार अब चरम सीमा पर और हर प्रत्याशी अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुटा है। आज हम पहुंचे हैं गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर आप देख रहे हैं कि मेरे साथ ये ट्रैक्टर है और निर्दलीय प्रत्याशी अश्वनी शर्मा को ट्रैक्टर का निशान मिला है और वो खुद इस वक्त ट्रैक्टर पर मौजूद है परिवार के साथ और निकल रहे हैं प्रचार के लिए। जानते हैं कि किस तरह से वो प्रचार करेंगे, क्योंकि ट्रैक्टर की सवारी हरियाणा का सिंबल माना जाता है, अश्वनी जी किसानों का सिंबल माना जाता है, किस तरह से देखते हैं? स्वागत है आपका। ये हरियाणा के किसानों का नहीं, ये देश के किसानों का प्रतीक है। एक एक किसान जो है उसका प्रतीक है ये, और शहरों के अंदर ट्रैक्टर का काम सफाई के अंदर काम आता है। जो कमेरे वर्ग हैं, कमेरे वर्ग के लिए ये सार्थक साबित होता है, और जिससे कि सैनिटेशन के मामले के अंदर ट्रैक्टर ही काम आता है, हर चीज़ के अंदर ट्रैक्टर काम आता है। तो हमारे को तो ट्रैक्टर का निशान मिल गया, क्योंकि पब्लिक की भी डिमांड थी कि अश्वनी शर्मा तो ट्रैक्टर लेके चल रहे हैं और गुड़गांव के सड़कों की सफाई कर रहे हैं, तो हमारे को ट्रैक्टर मिल गया है और हम अपने परिवार के साथ इस ट्रैक्टर को चलाते हुए जा रहे हैं और इस गुड़गांव की सफाई करने के लिए हम कृत संकल्प है। अश्वनी, एक बड़ी बात यह है कि गुरुग्राम का विकास भाजपा कहती है हमने किया है, तो आप किस तरीके से देखते हैं, कितना विकास गुरुग्राम में हुआ है आज तक? गुरुग्राम के अंदर विकास एक भी नहीं हुआ, सब झूठी बात है। हर बात के अंदर एक ही बात करते हैं कि हमने सिग्नेचर टावर बना दिया, हमने इफको चौका टावर बना दिया, हमने हीरोंडा का चौका फ्लाईओवर बना दिया। अरे भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, हैं विधायक गुड़गांव के विधायक वो क्या हमने बना दिया, वासेपुर का विधायक जो था वो भी हम क्या हमने बना दिया, तो बढ़ाया किसने? और आज आपके सामने हैं, बनने के बाद कितने दिन वो फ्लाईओवर चला, वो फ्लाईओवर ज़्यादा दिन नहीं चल पाया, उसके अंदर इतना भारी घपला हुआ जो तीनों के तीनों फ्लाईओवर एक ही बरसात के अंदर आपके सामने है। आपके मीडिया कर्मचारियों ने ही सबने उठाया था उस मुद्दे को कि हमारे सामने वो सारे के सारे तीनों के तीनों फ्लाईओवर कैसे डैमेज हुए हैं। भ्रष्टाचार को लेके भी जीरो टॉलरेंस की नीति कही जाती है, तो आप किस निगाह से देखते हैं और आपका मुद्दे क्या रहेंगे मेनली, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? अजी, बात यूँ है कि ये बात करते हैं अनुशासन की बीजेपी बात करती है, तो वो टाइम भूल गए क्या जब आज जिस बीजेपी के कैंडिडेट को टिकट मिली है, उनके फादर नहीं, जब तिलक राज मल्होत्रा को टिकट मिली थी गुड़गांव से, उन्हीं का पुतला फूका गया था सोना चौक के ऊपर, क्या पब्लिक भूल जाएगी? और तो और, उनको हराने के अंदर सीताराम सिंगला जी का अहम रोल था, क्या ये अनुशासन है? यही वो अनुशासन है बीजेपी वालों का। दूसरा, परिवारवाद की बात करती है बीजेपी, क्या ये परिवारवाद नहीं है? पहले फादर को और अब बेटे को, कहाँ चला गया परिवारवाद की बातें करते हैं ये लोग? ये झूठे हैं, बेकार की बातें करते हैं और कुछ नहीं है, इनके पास सिर्फ बोलने के अलावा और कुछ नहीं है। तो ये थे हमारे साथ अश्वनी शर्मा, निर्दलीय विधायक, जो अपने ट्रैक्टर को लेके बस निकलने ही वाले। इनका साफ कहना है कि स्थानीय मुद्दों पर वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जनता से जुड़े मुद्दे ही जनता के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और राष्ट्रवाद के मुद्दे भी महत्व तो रखते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद के मुद्दे पर उन्होंने मोदी जी को वोट दिया, लेकिन अब स्थानीय मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, R9 TV, गुरुग्राम।